जय महाकाल मित्रों, हमारी YouTube चैनल बिलियन कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो मित्रों, अभी हम MS Word सीख रहे थे, तो पहले हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे MS Word। अब इसमें हम कुछ कंटेंट लिख देते हैं। ठीक है मित्रों, कंटेंट लिख दिया हमने। अब मित्रों, फाइल मेनू और होम मेनू में क्लिपबोर्ड और फोन हम आगे के वीडियो में देख चुके हैं। तो मित्रों, अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मित्रों, आज हम सीखने वाले हैं पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग। तो हम पहले पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। तो हमें इसमें आगे की तरफ सिंबल की साइन रखनी है, तो हम पहले इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंबल में जाएंगे, यहाँ से हमें जो सिंबल रखना है वो सेट कर देंगे। हमें इनमें से कोई भी सिंबल नहीं रखना है, न्यू सिंबल डिपेंड करना है, तो हम डिपेंड न्यू बुलेट में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंबल पे जाएंगे, हमें जो सिंबल रखना है वो यहाँ से डिपेंड कर देंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे, हमारा सिंबल सेट हो जाएगा। अगर हमें नहीं रखना है सिंबल, उसे निकल देना, तो फिर हम यहाँ पे नून पे क्लिक करेंगे, वो निकल जाएगा। उसके बाद हमें पिक्चर्स इसमें सेट करना है, तो हम यहाँ पिक्चर पे क्लिक करेंगे, हमें जो पिक्चर रखना है वो यहाँ पे हो तो सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे, वरना यहाँ से हम इंपोर्ट करा सकते हैं। हम पिक्चर में जाएंगे, हमें जो पिक्चर रखना है वो यहाँ से हम सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ एड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पिक्चर सेट करके ओके पे क्लिक करेंगे, हमारा पिक्चर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है मित्रों, अब हमें इसे निकाल देना है, तो हम यहाँ से नॉन पे क्लिक करके निकाल सकते हैं। फिर यहाँ से नंबर की या अल्फाबेट सेट करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, जो भी रखना है वो सेट करेंगे। नहीं चाहिए तो यहाँ से हम नॉन पे क्लिक करके निकाल सकते हैं। फिर हमें मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है, तो हम यहाँ पे सेट कर लेंगे जो भी स्टाइल हमें चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ कीबोर्ड से हम टैब का बटन प्रेस कर देंगे, तो हमारा मल्टी लेवल लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। फिर अगर हमें नहीं चाहिए तो इसे सिलेक्ट करके यहाँ से नॉन पे क्लिक करेंगे और निकल जाएगा। उसके बाद हम मार्जिन सेट करेंगे, आगे की तरफ कितना मार्जिन रखना है और पीछे की तरफ कितना मार्जिन रखना है। हम आगे की तरफ मार्जिन डायरेक्टली यहाँ से सेट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से हम इसे उठा के डायरेक्टली सेट कर सकते हैं। पीछे की तरफ मार्जिन हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, कितना रखना है ऐसे। ठीक है मित्रों, उसके बाद हमें जो लिखा फर्स्ट रो में कितनी जगह छोड़नी है वो यहाँ से छोड़ सकते हैं, यहाँ से ऐसे हटा लेंगे, हमारे पैराग्राफ के फर्स्ट रो में वो जगह एक्जैक्ट सेट हो जाएगी। नहीं रखनी है तो इसे फिर हम इसके साथ सेट कर सकते हैं। फिर हमें पैराग्राफ लिखना कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से और मिडल में, हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर हमें लेफ्ट साइड में लिखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एल। राइट साइड से लिखना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। और सेंटर में लिखना है तो हम यहाँ से सेट करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। ठीक है मित्रों, उसके बाद हमें जस्टिफाइड लखन करना है, हमें जो आगे की तरफ जगह है पीछे की तरफ जगह है वो सेम रखनी है। हम लेफ्ट साइड करेंगे तो
तो यहाँ पीछे की तरफ जगह रह जाएगी, हम राइट साइड करेंगे तो आगे की तरफ जगह रह जाएगी, हमें ये दोनों पे सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जस्टिफाइड आगे और पीछे की तरफ एग्जैक्ट फिट लखन हो जाएगा। उसके बाद दो पैराग्राफ और लाइन के बीच की जगह सेट करनी है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। दो लाइन के बीच जगह कितनी छोड़नी है यहाँ से सेट कर सकते हैं, और दो पैराग्राफ के बीच ये जगह है जो सेट करनी है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से हम उस जगह को निकल सकते हैं और यहाँ से एड भी कर सकते हैं। फिर मित्रों हमें एडिंग सेट करना है, तो हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे अगर उसके नीचे में रो चाहिए बॉटम में, तो यहाँ बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे ऐसे, बॉटम बॉर्डर पे रो आ जाएगी। टॉप में चाहिए तो हम यहाँ पे टॉप रो भी ले लेंगे। फिर इसका पैराग्राफ चेंज करना है उसका कलर, तो यहाँ से हम पैराग्राफ का कलर चेंज कर सकते हैं और इसे हम हेडिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ में अगर बीच में करना है तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं ऐसे, पैराग्राफ को सेट करेंगे, उसके बाद बॉटम रो, टॉप रो और पैराग्राफ का कलर ऐसे हम बॉर्डर में लेके डॉक्यूमेंट में हेडिंग सेट कर सकते हैं। अगर हमें टेबल सेट करना है सिंपल, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। पहले जितने में टेबल हमें सेट करना है उतना हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से ऑल रो पे क्लिक करेंगे, तो ऐसे सिंपल टेबल सेट हो जाएगा। फिर इसे निकालने के लिए फिर हम उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। हमें ये पूरे पैराग्राफ में ऐसे कलर सेट करना है, तो हम पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम पैराग्राफ का कलर सेट कर सकते हैं। उसे निकालने के लिए फिर हम यहाँ से नो कलर पे सेट क्लिक करेंगे तो निकल जाएगा। तो मित्रों ये हमारा पैराग्राफ का सेटिंग हो गया। अब स्टाइल, यहाँ से हम पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हम डायरेक्टली स्टाइल सेट कर सकते हैं, हमें जो भी स्टाइल लाइन सेट करनी है वो ऐसे। अगर हमें कोई स्टाइल सेट हो गई, अगर हमें इसमें चेंजेस करना है स्टाइल में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद अप्लाई स्टाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, तो हमारे ये सारे सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ से हम फॉन्ट कौन से रखने हैं वो सेट करेंगे, यहाँ से फॉन्ट की साइज़ कितनी रखनी है, बोल्ड रखना है या नहीं रखना है, इटैलिक रखना है या नहीं रखना है, हम यहाँ से सेट कर देंगे। अंडरलाइन रखनी है तो यहाँ से अंडरलाइन, फिर फॉन्ट का कलर कैसा रखना है, फिर यहाँ से लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, जस्टिफाइड, यहाँ से दो रो के बीच में कितनी जगह सेट करनी है, और यहाँ से पैराग्राफ के बीच में, और यहाँ से आगे और आगे का मार्जिन कितना सेट करना है, वो सब सेटिंग करके हम फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लोज दे देंगे। अब हमें जितना भी स्टाइल इनके जैसे करना है, पहले हम उसके सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ स्टाइल पे क्लिक करेंगे, तो हमें ये चेंजेस बार बार नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्टली हम एक बार स्टाइल बना के इसे सेट कर सकते हैं ऐसे। फिर स्टाइल सेट पेज की थीम्स यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, उसके बाद कलर, हम उसका कलर यहाँ से सेट कर सकते हैं डायरेक्टली। फिर यहाँ से फॉन्ट, फॉन्ट हम कौन सा रखना है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फाइंड, हम फाइंड पे एडवांस फाइंड पे क्लिक करेंगे, तो फाइंड रिप्लेस डायरेक्ट यहाँ पे खुल जाएगा। फाइंड हमें कोई भी वर्ड इनमें से फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे, मैं अभी ये चीज़ लिखा, यहाँ से फाइंड करेंगे, जहाँ भी ही लिखा होगा वो सेट हमारे सामने ऐसे हाईलाइट हो जाएगा।
उसके बाद रिप्लेस, हमें तो यहाँ रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डायरेक्टली भी रिप्लेस ले सकते हैं। हमें जो स्पेलिंग रिप्लेस करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और रिप्लेस करके जो नया स्पेलिंग हमें लिखना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो वी की जगह हमें लिखना है येलो कैपिटल में। फिर हम यहाँ से फाइंड करेंगे, यही हमें चेंज करना है तो यहाँ रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, यही टैग के अंदर है तो हम इसे रिप्लेस नहीं करना है तो हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसे रिप्लेस करना है तो हम यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। ये भी ही टैग के अंदर है, हमें रिप्लेस नहीं करना है तो फाइंड के फाइंड नेक्स्ट करेंगे। और हमें जहाँ पे भी ही लिखा है वो सारा का सारा रिप्लेस कर देना है तो हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे तो सारा का सारा रिप्लेस हो जाएगा ऐसे। उसके बाद है गो टू, तो हमें डायरेक्टली कोई पेज नंबर पे जाना है तो यहाँ से डिपेंड करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सेक्शन, अगर हमने सेक्शन अलग किए हैं तो यहाँ से डायरेक्ट सेक्शन नंबर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। लाइन नंबर, तो हम यहाँ पे लाइन नंबर डालेंगे इससे वन, ये गो टू करेंगे हमारा कर्सर फर्स्ट नंबर की रो में चला जाएगा। उसके बाद हमें सेकंड नंबर की रो में जाना है तो यहाँ पर सेकंड डालेंगे और गो टू करेंगे। ठीक है मित्रों, तो ऐसे हम डायरेक्टली कोई भी रो में जा सकते हैं, हमने बुक मार्क किया है, फॉर्मेट किया है, तो डायरेक्टली यहाँ से सेव कर सकते हैं। फिर सिलेक्ट और, हमने जो भी कंटेंट लिखा है वो सारा का सारा हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर हमने जो लिखा है उसके पीछे हमने इमेज सेट किया है, पहले इमेज सेट कर लेते हैं ऐसे सिलेक्ट। ठीक है, सम टेक्स्ट फॉन्ट के पीछे सेट कर देते हैं तो इसे हम ऐसे ही डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट में जाएंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ से डायरेक्टली वो इमेज को सेट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है सिलेक्ट पैनल, हमने एक से ज़्यादा इमेज लिए हैं या तो सेव ड्रॉ किए हैं ऐसे, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज हमने पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग कंप्लीट कर लिया। अगर आपको जो हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारी यूट्यूब चैनल बिलियन कंप्यूटर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।